हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ बेबी हग प्रो डायपर के बारे में। एक्चुअली मेरी बेटी डायपर अभी यूज़ नहीं करती है, बट हम लोग जा रहे हैं बाहर ट्रेन से, तो ट्रेन में कम से कम 9-10 घंटे लग जाएंगे और मुझे अपनी बेटी के लिए ट्रेन का टॉयलेट बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। एक तो वो हाइजीनिक नहीं होगा, सेकेंडली मेरी बेटी बहुत डरती है ट्रेन की टॉयलेट में जाने से, तो इसीलिए मुझे एक डायपर चाहिए था मेरी बेटी के लिए और इसीलिए मैंने ये बेबी हग प्रो डायपर परचेस किया है और मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। तो इस बेबी हग प्रो डायपर के बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो, इस डायपर के साथ मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आने पर लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो ये है बेबी हग प्रो डायपर पैंट्स। पैकेजिंग आप खुद देख सकते हो, व्हाइट कलर का पैक है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। पर्सनली मुझे व्हाइट कलर पसंद है, इसलिए शायद मुझे ज़्यादा और क्यूट लग रहा है। यह है पैक का फ्रंट साइड और यह है बैक साइड। पहले फ्रंट साइड देख लेते हैं। पैक के फ्रंट साइड में ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, बेबी हग प्रो बबल केयर प्रीमियम पैंट्स। ये बेबी हग का प्रीमियम कलेक्शन का डायपर है। ब्रिदेबल मटेरियल है, बबल लेयर टेक्नोलॉजी है इसमें, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और ये जो डायपर है वो डबल एक्सल है, मतलब जिन बेबीज़ का वेट 15 से लेकर 25 केजी तक का है, उन बेबीज़ के लिए आप ये डायपर यूज़ कर सकते हैं। और इस पैक में टोटल 30 पैंट्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 12 घंटे तक ड्राइनेस देता है, ऐसा मेंशन किया गया है। सिल्की सॉफ्ट मटेरियल है, सिया बटर है इसमें और वेटनेस इंडिकेटर भी है। पैक के फ्रंट साइड में इतना सब कुछ मेंशन किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डायपर है बेबी हग प्रो, न्यूबॉर्न बेबी से लेके डबल एक्सएल तक मिल जाता है, मतलब लगभग हर एज के बेबीज़ के लिए आप ये बेबी हग प्रो डायपर मिल जाएगा आपको, आप ले सकते हैं। तो ये है ओवरऑल पैक का फ्रंट साइड। अब चलिए बैक साइड में क्या है वो देख लेते हैं। साइड में कुछ खास नहीं है। तो ये है इस पैक का बैक साइड। एज यूजुअल जैसा होता है, एक डायपर का डायग्राम है और इस डायपर में क्या क्या खासियत है वो सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो ये है ओवरऑल बेबी हग प्रो प्रीमियम केयर डायपर पैंट का पैक। अब चलिए देख लेते हैं कि ये जो डायपर है वो कैसा है। तो ये है बेबी हग प्रो बबल केयर प्रीमियम पैंट। आप देख सकते हो क्यूट सा दिखता है, यहाँ पे मून वगैरह है, टेडी वगैरह है, क्यूट सा है। और मटेरियल की अगर बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट है, कॉटनी सॉफ्ट है, मतलब प्लास्टिक वाला फील बिल्कुल भी नहीं आता है टच करने से। और बहुत ही ज़्यादा मुझे सॉफ्ट लगा है, कितना सॉफ्ट है आप खुद ही देख सकते हो। ऐसे अगर मैं इसको एक मुट्ठी में कर लूँ तो पूरी मुट्ठी में आ जाता है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है मटेरियल। मुझे इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा है। अब अगर इसकी साइज़ की बात करें तो डबल एक्सल है, आप देख सकते हो, और डबल एक्सल के हिसाब से इसका साइज़ ना मुझे परफेक्ट लगा है। मेरी बेटी अभी 19 केजी की है तो उसके कमर में भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, बिल्कुल भी लूज़ या कुछ नहीं होता है। और अगर आपका बच्चा 25 केजी का है तो भी अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वेस्ट एरिया है काफ़ी स्ट्रेचेबल है और स्टिच आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। और अगर आप स्टिच नहीं करोगे तो ऐसे छोटू सा होकर रह जाएगा। तो मतलब 25 केजी तक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी परफेक्ट है और मेरी बेटी के कमर में भी बिल्कुल परफेक्ट है, उसके कमर में कोई दाग वगैरह नहीं होता है इस डायपर को पहनाने के बाद। तो इस डायपर का साइज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है और बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट है और बिल्कुल पतला सा है, जैसा आप खुद ही देख सकते हो, बिल्कुल पतला सा है, बिल्कुल लाइट वेट है, क्योंकि इसका जो मटेरियल है मैंने कहा कि प्लास्टिक जैसा बिल्कुल नहीं है, एकदम कॉटनी सॉफ्ट मटेरियल है। तो इस वजह से ये बिल्कुल लाइट वेट है और आप इस डायपर को पहनाने के बाद ना इस डायपर के ऊपर पैंट वगैरह पहना सकते हो। ज़्यादातर डायपर में क्या होता है कि डायपर ही इतना ज़्यादा भारी और मोटा होता है कि आप डायपर पहनाने के बाद उसके ऊपर बच्चे को कोई पैंट वगैरह या खास करके जीन्स वगैरह नहीं पहना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं बच्चे। बट इस डायपर को पहनाने के बाद आप अपने बच्चे को इसके ऊपर कोई पैंट या जीन्स वगैरह ईजिली पहना सकते हो, क्योंकि बिल्कुल लाइट वेट है और ईजिली बच्चे के कमर में भी सेट हो जाता है, बच्चे के थाई में भी ईजिली सेट हो जाता है। ये है थाई एरिया, जैसा कि आप देख सकते हो डबल लेयर प्रोटेक्शन है तो बच्चे के पी लीक होने का चांस ही नहीं है, और थाई में अच्छे से सेट हो जाता है तो लीक भी नहीं होता है, और थाई एरिया भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है।
यह है इस डायपर का फ्रंट साइड जहाँ पे डबल एक्सल लिखा हुआ है, बेबी हग ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, और यह है बैक साइड। ऑब्वियसली बैक साइड आपको देख के ही पता चल जाएगा क्योंकि इसमें एक डिस्पोजेबल टेप है, मतलब इस डायपर को यूज़ करने के बाद आपको इस डिस्पोजेबल टेप में अच्छे से रैप करके ही इस डायपर को डिस्पोज करना है। और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि डायपर ना यूजली यह होता है यूज़ करने के बाद हम इधर उधर फेंक देते हैं, अच्छे से हमें रैप करके ही डायपर को डिस्पोज करना चाहिए, तो इसीलिए ये डिस्पोजेबल टेप दिया गया है ताकि हम यूज़ करने के बाद अच्छे से इसको डिस्पोज कर सकें। लुक काफ़ी अच्छी है, आप देख ही सकते हो बच्चे के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस डायपर का एक और खासियत है ये वेटनेस इंडिकेटर लाइन, जो कि आजकल के डायपर में ज़रूर होना चाहिए। जब डायपर फुल हो जाता है तब इस ये जो येलो कलर का लाइन है इसका कलर चेंज हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बेबी का डायपर फुल हो चुका है और आपको चेंज करना है। तो ये आजकल इस हर एक डायपर में होना चाहिए, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये जो फीचर है। तो बेबी हग का इस डायपर में भी ये वेटनेस इंडिकेटर लाइन है जो आपको बता देगा कि आपके बच्चे का जो डायपर है वो फुल हो चुका है और अभी आपको वो चेंज करना है। तो ये है वेटनेस इंडिकेटर लाइन। अभी ये डायपर जो है मैं आप लोगों को अंदर से दिखाती हूँ। तो अंदर से ऐसा दिखता है ये बेबी हग प्रो बबल केयर डायपर। बबल केयर इसलिए, आप देख सकते हो बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स है इसमें, देख ही सकते हो बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स है, और टच करने पर बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फीलिंग आता है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फीलिंग आता है। बच्चे के स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, टच करने से प्लास्टिक जैसा फील बिल्कुल नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सिल्की सॉफ्ट है इनफैक्ट। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये डायपर अंदर से भी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये जो छोटे छोटे बबल्स आप देख रहे हो, बच्चा जब इसमें पी करता है तब ये डायपर जितना अभी आप हल्का देख रहे हो भारी हो जाता है, क्योंकि ये जो बबल्स है वो पी अच्छे से सोक कर लेता है और फूल जाता है और स्किन को ड्राई रखता है। अंदर से बच्चे का स्किन बिल्कुल भी गीला नहीं होता है, बहुत अच्छे से ड्राई कर देता है स्किन को, बट डायपर भारी हो जाता है। ऑब्वियसली जब पी सोक कर लेगा तो डायपर भारी होगा ही, बट लीक बिल्कुल नहीं करता है, लीक नहीं करता है, बच्चे का पी अच्छे से सोक कर लेता है और स्किन को अच्छे से ड्राई भी रखता है। अगर इस डायपर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बात करें तो ये डायपर मेरी बेटी के लिए 7 से 8 घंटे इजीली चल जाते हैं। वैसे भी बच्चे का जो डायपर है वो हर 6 घंटे में चेंज कर देना चाहिए, बट अगर आप लॉन्ग जर्नी में हो तब भी आप ये डायपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डायपर है वो बच्चे के लिए 7 से 8 घंटे इजीली चल जाएगा और बच्चे के स्किन को भी ड्राई रखेगा। और ये डायपर तो भारी हो जाएगा बट बच्चे के स्किन को हार्म नहीं करेगा। तो अगर आप लॉन्ग जर्नी में हो तब भी आप ये डायपर यूज़ कर सकते हैं। मेरी बेटी के लिए ये डायपर 7 से 8 घंटे ईजिली चल जाते हैं। तो ये है बेबी हग प्रो बबल केयर प्रीमियम पैंट। बेबी हग का ये डायपर आपको न्यूबॉर्न बेबी से लेकर डबल एक्सल तक मिल जाएगा, और इस पैक में 30 पैंट्स है और इसका MRP है 1,395 रुपीज़। मैंने ये फर्स्ट क्राई से परचेस किया है, मुझे ये डायपर काफ़ी अच्छा लगा है, मतलब मेरी बेटी के लिए 6 से 7 घंटे इजीली चल जाता है और लीक भी नहीं करता है, थोड़ा भारी हो जाता है बट लीक भी नहीं करता है। तो आप अगर कोई प्रीमियम कलेक्शन का डायपर यूज़ करना चाहते हो तो बेबी हग का ये डायपर आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली अगर प्रीमियम कलेक्शन का कोई भी डायपर अगर आप यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही होगा, बट अगर आप कोई अच्छी सॉफ्ट प्रीमियम कलेक्शन डायपर यूज़ करना चाहते हो अपनी बेबी के लिए तो बेबी हग प्रो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।